क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस थ्री पूरे की पावर 8 में एक्स की पावर 5 का गुणांक याद कीजिए। मान लीजिए कि एक्स प्लस थ्री पूरे की पावर 8 में एक्स की पावर 5 का गुणांक आर प्लस वन बी पद में है, तब क्या हो जाएगा आपका? टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स, और वी की जगह पर क्या आ जाएगा थ्री, और एन की जगह पर एट आ जाएगा। तो हम देखेंगे एन बराबर एट एंड ए बराबर एक्स बी बराबर थ्री, तो यहाँ पर क्या जाएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू एट सी आर एक्स की पावर एट माइनस आर बी यानी कि थ्री की पावर आर। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? अब हम एक्स की, अब इसको हम क्या करते हैं जमा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू एट सी आर थ्री की पावर आर एक्स की पावर एट माइनस आर। ठीक है, अब हम एक्स की पावर फाइव की तुलना किससे करेंगे? टी आर प्लस में क्या करेंगे, एक्स की पावर एट माइनस आर के साथ करेंगे। तो लिखेंगे अब एक्स की पावर फाइव की तुलना टी आर प्लस वन में एक्स की पावर एट माइनस आर से करने पर, तब आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव की तुलना हम इससे करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एट माइनस आर इक्वल टू फाइव माइनस आर इक्वल टू फाइव माइनस एट। इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बचा क्या आर इक्वल टू थ्री, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी थ्री। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे आर की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी टी थ्री प्लस वन इक्वल टू एट सी थ्री, थ्री की पावर थ्री क्या जाएगा एक्स की पावर एट माइनस थ्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एट, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, एट माइनस थ्री फैक्टोरियल, थ्री को क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी सेवन, थ्री की पावर थ्री यानी कि ट्वेंटी सेवन, एक्स की पावर फाइव। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, और एट में से थ्री क्या फाइव फैक्टोरियल, ये फाइव से ये फाइव कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एक्स की पावर फाइव, ये इससे सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास एट इंटू सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन एक्स की पावर फाइव। अब हम इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा पंद्रह सौ बारह एक्स की पावर फाइव। यहाँ एक्स की पावर फाइव का गुणांक क्या हो जाएगा आपका बराबर पंद्रह सौ बारह, यही आपका आंसर है। नंबर सेकेंड, ए माइनस टू बी पूरे की पावर ट्वेल्व में ए की पावर फाइव बी की पावर सेवन का गुणांक याद कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसे ही होगा, तो लिखेंगे मान लीजिए ए माइनस टू बी पूरे की पावर ट्वेल्व में ए की पावर फाइव बी की पावर सेवन का गुणांक
आ प्लस वन बे पद में है। हम क्या करेंगे, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। ए की जगह पर ए आ जाएगा और बी की जगह पर क्या जाएगा, टू बी यानी कि माइनस टू बी। तो देखिएगा टी आर प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व सी आर ए की जगह पर ए, एन की जगह पर ट्वेल्व माइनस आर, बी की जगह पर क्या जाएगा माइनस टू बी पूरी की पावर आर। हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व सी आर माइनस टू पूरे की पावर आर ए की पावर ट्वेल्व माइनस आर और बी की पावर आर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब ए की पावर फाइव बी की पावर सेवन तथा टी आर प्लस वन में ए तथा बी की तुलना करने पर, तो हम ए तथा बी की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर फाइव बी की पावर सेवन। तो हम इसके इससे साथ तुलना करेंगे, देखिए ए की पावर ट्वेल्व माइनस आर, ठीक है, बी की पावर आर से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आर बराबर क्या, सॉरी आर बराबर क्या रहा है सेवन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव बराबर ट्वेल्व माइनस आर। तो आर को इस साइड ले जाते हैं तो आर बराबर क्या आ जाएगा ट्वेल्व माइनस फाइव। तो आर बराबर क्या आ जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव गया सेवन, यानी कि आर की वैल्यू क्या आई है आपकी सेवन। तो हम सेवन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर करेंगे सेवन, सॉरी टी सेवन प्लस वन इक्वल टू ट्वेल्व सी सेवन ए की पावर ट्वेल्व माइनस सेवन, फिर क्या आ जाएगा माइनस टू पूरे की पावर सेवन ए की पावर, बी की पावर क्या जाएगी आपकी, सॉरी लिख दिया है बी की पावर आ जाएगी आपकी बी की पावर सेवन, है ना। इसको इस सेट लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवन फैक्टोरियल ट्वेल्व माइनस सेवन फैक्टोरियल। क्या इसका हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 128 ए की पावर फाइव, जब हम 12 में से 7 करेंगे तो 5 बचेगा बी की पावर 7। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू, चलो इनको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 1,01,376, है ना। इसको सबको सॉल्व करने पर, उसका इंटू करने पर ये आता है माइनस का ए की पावर 5 बी की पावर सेवन। अब हमारे पास अब ए की पावर फाइव बी की पावर सेवन का गुणांक क्या हुआ, माइनस 1,376 हुआ, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स की पावर टू माइनस वाई पूरे की पावर सिक्स के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। हमें व्यापक पद बताना है तो हम जानते हैं कि देखेंगे, हम जानते हैं कि ए प्लस बी पूरे की पावर एन के प्रसार में व्यापक पद आर प्लस वन वा पद होगा। टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। यहाँ ए की जगह पर क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए बराबर एक्स का स्क्वायर, बी बराबर माइनस वाई एंड एन बराबर क्या आ जाएगा सिक्स। यहाँ पर रखेंगे टी आर प्लस वन इक्वल टू सिक्स सी आर एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर सिक्स माइनस आर
और b की पावर यानी कि आपकी माइनस y की पावर क्या हो जाएगी, r। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x c r, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा 12 माइनस 2r और माइनस 1 पूरे की पावर r y की पावर r। माइनस 1 की पावर r को हम आगे ले चलते हैं तो माइनस 1 पूरे की पावर r 6 c r, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 12 माइनस 2r y की पावर r। यही है आपका व्यापक पद है। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2 माइनस वाई एक्स पूरे की पावर 12 में x नॉट इक्वल टू 0 है, हमें क्या करना है, व्यापक पद याद करना है। इसके प्रसार में हम जानते हैं कि a प्लस बी पूरे की पावर n के प्रसार में व्यापक पद r प्लस 1 वा पद होगा, तो tr प्लस 1 बराबर ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है ना, b बराबर आ जाएगा माइनस वाई एक्स और n बराबर आ जाएगा 12। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल टू 12 सी आर, ए यानी कि x का स्क्वायर पूरे की पावर 12 माइनस r, b की पावर माइनस वाई एक्स पूरे की पावर r। तो हम क्या करेंगे, 12 सी आर एक्स का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, 2 का इंटू 12 में करेंगे 24 माइनस 2r, हम इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, तो माइनस 1 पूरे की पावर r y की पावर r x की पावर r है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 को हम आगे लिख लेते हैं 12 सी आर, हम x की पावर 24 माइनस 2r में ये भी x की पावर r है, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 24 माइनस r हो जाएगा है ना, 2r में से प्लस r गया तो क्या हो जाएगा r, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की पावर r, ये आपका व्यापक पद है। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 2y पूरे की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद याद कीजिए। हम जानते हैं कि a प्लस बी पूरे की पावर n के प्रसार में r प्लस 1 वा पद होगा टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस r b की पावर r, और हमें चौथा पद याद करना है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, टी फोर, हमें चौथा पद याद करना है, तो टी फोर, हम टी फोर को क्या लिख सकते हैं, टी थ्री आर की जगह 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो टी फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 n की जगह क्या है 12 c, r की जगह हमने क्या लिखा 3, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, तो x की पावर क्या लिखेंगे 12 माइनस 3, b की पावर क्या है आपके पास 2 माइनस 2y पूरे की पावर r है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे r की जगह 3, तो 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, x की पावर क्या आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 पूरे की पावर 3 y की पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमने 12 में से 3 गया तो 9 फैक्टोरियल, हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो ये बचेगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इससे ये 6 हो गया, तो 6 से हम ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 की पावर 3 है तो यानी क्या आ जाएगा माइनस 8, एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, अब हम इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 220 इंटू माइनस 8 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, तो हम इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1760 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, यही आपका आंसर है। ये आपका कौन सा पद है, चौथा पद।